हेलो गाइस, मेरा नाम है बिलायत और स्वागत है आप सभी का ऑल एप्स हिंदी का और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपना फ़ोन से ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। वैसे में दोस्तों, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और हर एक काम जो कि ऑनलाइन हो रहे। दोस्तों, बहुत सारा दोस्त लोग को पता नहीं होता है किस तरीके से जो कि ट्रेन टिकट बुकिंग किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते अपना फ़ोन से तो फ़ोन से आप जो कि अपना ट्रेन टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एप्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, यहां पे ट्रेन टिकट बुकिंग करने के लिए सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। दोस्तों, अगर आपने यहां पे IRCTC में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने इसका ऊपर एक वीडियो बनाया है कि इस तरीके से आप यहां पे अपना अकाउंट को बना सकते हैं। दोस्तों, अगर IRCTC में आपका अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना अकाउंट यहां पे बना सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको बस लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाएगा, ठीक है ना। उसका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आप अगर ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले प्लान माई जर्नी, यहाँ पे आप जहाँ से यहाँ पे जर्नी करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं माई प्लान जर्नी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस देना है, मतलब जहाँ से आप चढ़ना चाहते हैं यानी ट्रेन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी स्टेशन है वहाँ पे आप जगह का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा अपना स्टेशन जो कि मेरा घर का नज़दीक है, जलपाईगुड़ी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसका दोस्तों यहाँ पे आप जहाँ पे उतरना चाहते हैं उस जगह का नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं दिया है मालदा टाउन, ठीक है ना। तो ये मैंने दोनों जगह का नाम दे दिया है, मतलब जहाँ पे मैं चढ़ना चाहता हूँ और जहाँ पे उतरना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो अभी दोस्तों कि सिंपली यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डेट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन सा डेट में जाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं आज का डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का दोस्तों सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। सर्च ट्रेन पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक पेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ट्रेन जो कि जो भी ट्रेन है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आज जो भी ट्रेन है आप जो भी डेट देंगे उस डेट में जो भी ट्रेन है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दो ट्रेन है, दार्जिलिंग मेल एंड यहाँ पे तोरसा तिस्ता एक एक्सप्रेस दो ट्रेन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जिनाड़ेल है, लेडीज है, तत्काल है, लोअर्स है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते प्रेम है, तत्काल, मतलब जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं, कौन सा कैटेगरी लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जिनाड़ेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली देख सकते गाइस यहाँ पे दो ट्रेन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते आप कौन सा जाना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा A1, 2A, 3A, SLR, कौन सा जाना चाहते हैं आप, मतलब कौन सा कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो कि SLR पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं SLR पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपका सामने जो कि इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा डेट में यहाँ पे ट्रेन अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज जो कि 18 तारीख है, 18 जून 2019, आज जो कि एक ट्रेन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप जो कि एक सीट है तो यहाँ पे बुक कर सकते। तो देख सकते यहाँ पे डेट आ जाएगा कौन कौन सा डेट में जो कि ट्रेन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आज का डेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते बुक नाउ का एक ऑप्शन दिख रहे, तो बुक नाउ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो बुक नाउ पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे देख सकते इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन का नाम है दार्जिलिंग मेल, और यहाँ पे देख सकते आपका प्राइस है, प्राइस कितना है वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, 215 रुपीज़, यानी 215 रुपये यहाँ पे आपको दिखा रहे। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जलपाईगुड़ी टू मालदा टाउन, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे। टाइम यहाँ पे दिखा रहे 17:47, यानी 5:46 यहाँ पे दिखा रहे आपका ट्रेन जो कि आप जहाँ पे चढ़ेंगे वो टाइम आपको यहाँ पे दिखा रहे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एवरेज टाइम, मतलब आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ पे देख सकते यहाँ पे दिखा रहे, ठीक है ना। और यहाँ पे 23 घंटा आपको लगेगा, यानी मतलब एक दिन के जैसा लगेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बोर्डिंग कहाँ, मतलब कहाँ पे आप चढ़ेंगे यहाँ पे नीचे दिख रहे। जैसे मैं यहाँ पे जलपाईगुड़ी से चढ़ूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एड्रेस यहाँ पे दिखा रहे। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों जनरल का ऑप्शन दिखा रहे, जो आपका जो कि यहाँ पे कैटेगरी है जनरल कैटेगरी है, तो जनरल यहाँ पे दिखा रहे। उसका दोस्तों नीचे देख सकते नीचे आपको नंबर देना है, आप जो भी नंबर यहाँ पे आपका अवेलेबल मतलब अभी चला रहे, क्योंकि
जो भी आप यहाँ पर ट्रेन टिकट बुकिंग करेंगे तो आपको एक एसएमएस भेजेगा और उसमें आपका टिकट जो कि दिखाएगा, ठीक है ना। तो उस एसएमएस को आप दिखा के जो कि आप ट्रेन में जा सकते हैं और अपना ट्रेन टिकट जो कि प्लेटफॉर्म जाके आप कॉन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी नंबर है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर जो कि यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना नंबर यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड पैसेंजर एक ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एज, उसके बाद यहाँ पे जेंडर एंड यहाँ पे आपका जो कंट्री है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके अपना जो कि नाम यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम अपना नाम यहाँ पे डाल देते हैं और डालने के बाद देखते हैं आगे किस तरीके से आप यहाँ पे जो कि टिकट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ASWCN, तो यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने का दोस्तों यहाँ पे आपका एस, तो मेरा एस 23 है अभी, ठीक है ना। तो मेल मैं हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लोअर, मिडिल, अपर साइड, लोअर साइड, अपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो भी सीट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सीट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा कोई भी एक सीट ले लेता हूँ, तो एग्जांपल के लिए। तो मैं अभी बुक नहीं करूँगा गैस, जो कि मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करेंगे, तो इंडिया यहाँ पे है, ठीक है ना। उसका दोस्तों यहाँ पे नीचे डन कर देना है। डन करने का दोस्तों यहाँ पे आपका जो कि नाम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अभी दोस्तों अगर आपके साथ कोई जा रहे तो यहाँ पे चिल्ड पे क्लिक करेंगे। सोचो आपका कोई बच्चा जा रहे तो उसको नाम यहाँ पे एस यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। डाल के जो कि आप यहाँ पे डन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अकेला रह रहा हूँ तो अकेला यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। करने का दोस्तों यहाँ पे आपका जो नंबर है ना, नंबर आपको सही से देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो कि मैसेज नहीं आएगा, ठीक है ना। आप जो यूज़ कर रहे हो अभी फ़ोन, उसका जो नंबर है वही यहाँ पे नीचे दे देना है। उसका दोस्तों यहाँ पे बुक टिकट पे आपको क्लिक करना है। बुक टिकट पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे देख सकते आपका सामने ये जो टिकट है, टिकट पूरा पूरी रेडी हो गया है, ठीक है ना। तो देख सकते यहाँ पे नेट प्राइस दिखा रहे 250 रुपीज़, मतलब 215 रुपये, ठीक है ना। तो 215 रुपये यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे ट्रेन का नेम, यहाँ पे जो भी टिकट है आपका यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक कैप्चर दिया है, कैप्चर पे कैप्चर को आपको सिंपली फिल कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे N6QN, तो यहाँ पे कैप्चर मैंने फिल कर दिया। फिल करने का दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको जाना है, ठीक है ना। तो प्रोसेस टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश कार्ड, उसके बाद ऑर्डर्स का ऑप्शन आ गया, ई कार्ड का ऑप्शन आ गया है। सोचो आप ई कार्ड्स में पेमेंट करना चाहते हैं, ई कार्ड्स में जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे जैसे IRCTC का वॉलेट आ गया है, मूवी किट आ गया है, जियो मनी, ओला मूवी आ गया है, ठीक है ना, ओला मनी आ गया है। उसका दोस्तों यहाँ पे एयरटेल मनी एंड पेटीएम भी आ गया है। तो पेटीएम से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे यूपीआई, भीम, यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे पेटीएम, वीसा कार्ड, रुपी, उसके बाद यहाँ पे PayU, वीसा, उसके बाद यहाँ पे गूगल पे, ते सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सब ऑप्शन मिल जाता है। UPI से अगर आप यहाँ भीम से पेमेंट करना चाहते हैं तो भीम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई वॉलेट हम पेटीएम ले लेते हैं। तो पेटीएम हम सिलेक्ट करने का दोस्तों पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेटीएम नंबर जो कि यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे OTP डाल देना है, जो भी आपका फ़ोन में OTP गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो हमारा फ़ोन में एक OTP आया है, उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम अपना OTP यहाँ पे डाल देते हैं गाइस। तो यहाँ पे OTP आया है 7796 7796 42। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने का दोस्तों यहाँ पे आपका जो कि पेटीएम वॉलेट ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहे पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस टू पेमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे जो कि एक CVV कोड है वो अगर डाल के मैं यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो कि पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे IRCTC की तरफ से एक जो कि मैसेज आ जाएगा कि आपका टिकट कॉन्फर्म हो चुका है, आप जो कि 18 तारीख जा सकते हैं। और प्लेटफॉर्म में जो कि उस जो कि आपका पास एक मैसेज आएगा, तो उस मैसेज को आप दिखा सकते हैं। और आपको जो कि इस तरह का एक जो कि ये इसको आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। और जब भी ट्रेन टिकट मास्टर जो कि आपके सर आपके पास जो कि टिकट मांगेगा तो इसको आपको दिखाना है, जो आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, इसको सिंपली स्क्रीनशॉट लेना है और आपको दिखाना है कि मैंने टिकट खरीदा है ये।
और आपको जो मैसेज है वो मैसेज आपको दिखाना है और आपका टिकट जो कि कन्फर्म हो जाएगा और आप जो कि ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप चाहते हैं टिकट बुक करना ट्रेन टिकट, तो बहुत ही ईजिली आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और भी कुछ जानना है IRCTC से तो ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, मैं उसका ऊपर दूसरा एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ऑल ऑफ हिंदी में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो हम इस चैनल में लाते रहते हैं, तो जब भी ऐसे वीडियोस लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलती हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।